जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन है और मेरा ये यूट्यूब चैनल है। अगर आपको ये अच्छा लगता हो, इसकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको स्प्रेड करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। सिद्धार्थ बन गए बुद्ध। और आप बुद्ध की कोई भी पिक्चर आप देखोगे तो आपको मैक्सिमम पिक्चर्स आपको विद क्लोज आइज मिलेंगी, आंखें बंद। हर धर्म, कोई भी धर्म है, बंद करके ही, आंखें बंद करके ही पूजा करने के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि आंख खोल कर आपको दुनिया देखते हो और आंख बंद करके आप भगवान को देखते हो। आप भगवान दिखेगा तो आंख बंद करके ही। सपने सपने दिखते हैं ना कुछ लोगों को, तो सुबह उठ के बताते हैं मेरे को ये दिखा, तो उस टाइम आँख बंद होती है तभी दिखता है वो। और आप आँख बंद करके 5 मिनट नहीं बैठ सकते, कोशिश कर लो, 5 मिनट नहीं बैठ पाओगे, ट्राई करके देखना। रीज़न वही है सर, मैटेरियलिस्टिक लाइफ, और कोई रीज़न नहीं है। मेडिटेशन के लिए लेक्चर ले रहे हैं सर लोग, हमारे यूथ। मेडिटेशन के लेक्चर लेना कोई अच्छी बात है? ये कौन कह रहा है? आप डिप्रेस्ड हो, बीमार हो आप, और आपको नशा हो गया कि मेडिटेशन करने से जोश आ जाएगा, मैं ये काम कर दूंगा। कुछ नहीं होने वाला, जोश आपके अंदर से ही आएगा, ताकत आपके अंदर से ही बाहर आएगी। कोई सामने बैठ के लेक्चर दे के आपको बाहर नहीं निकाल सकता। आपको नहीं पता, आप हनुमान जी को पढ़ लो, क्या लाइफ है उनकी, क्या वो मेडिटेशन से कम है? मतलब ही नहीं है, कम है वो। कृष्ण, पूरा जीवन संघर्ष कृष्ण का। बुद्ध, लेकिन क्या है कि डिप्रेशन है और चल रही है टैबलेट्स। मोटिवेशनल, टू गेट मोटिवेशनल लेक्चर इज अ एडिक्शन। अगर आपकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी लेक्चर ले, अब मैं डिप्रेस्ड हो गया, चलो मैं धमकाने की वीडियो देखता हूँ या उस एक्स वाई जेड की वीडियो देखता हूँ तो मोटिवेट हो जाऊँगा, कुछ नहीं होता। यू आर एडिक्टेड, नशे में हो आप। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो आपकी इनर, जो आपके अंदर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको यूटिलाइज करना सिखा सकता है और आपको महान बना सकता है। तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। बस वो सर, वो मंडे एनसीईआरटी फिनिश, यू ऑल्सो फिनिश, उस एनसीईआरटी के साथ तुम भी ख़त्म हो। एक दिन में तुम 200 पेज पढ़ रहे हो और तुम कहते हो कि हमने पढ़ दिया, ख़त्म कर दी, तो तुम भी ख़त्म हो गए। और आपसे फिर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, अच्छा तो ये बताओ बुद्ध का पहला जो नोबल ट्रूथ है वो कौन कितने हैं? पता ही नहीं है। एंड यू सेड यू हैव फिनिश्ड, बाहर से गया आपके, ऊपर से भी नहीं गया, बाहर से गया। ऊपर से जाएगा तो तब भी कुछ ना कुछ आप ले लोगे, ये तो बाहर से ही गया। बाउंसर नहीं थी वो, तो स्विंग हो गई, आपको पता ही नहीं चला स्विंग होगी, बॉल स्विंग, और वो भी आउट। और यही रीजन था ध्यान करने का कि मूर्ति पूजा शुरू हुई। उद्देश्य था ध्यान, और जब उद्देश्य भूल गए तभी दयानंद सरस्वती ने कहा कि अभी बेकार है, इसको छोड़ दो, क्योंकि आप पर्पज ही भूल गए हो। और यही जो मैं बोल रहा था कि हम, आपकी जो इनर पावर है वही आपको महान बनाती है। यही रीज़न था कि सनातन में, सनातन जब पीरियड चला हुआ था तब उसमें समृद्धि मांगते थे। समृद्धि, समृद्धि कहाँ से मिलेगी? आपकी इनर पावर से। आप कितनी उसको यूटिलाइज कर पाते हो, किस तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो, उससे आप समृद्ध बनोगे। तो उस पावर का यूटिलाइजेशन सही तरीके से कर पाएं, ये मांगते थे। और आज भगवान, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, उसको कुछ कर दो, डिप्रेस हैं इसी वजह से, गोलियां खा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अरे जाने दो यार, प्यार करने वाले तुम्हें है ना, और फैमिली में है तो, या बस वही थी या वही था, माँ बाप है ना तुम्हारे? नहीं नहीं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं, तो
सच्चा प्यार था मेरा, तो वो जो तुम्हारे माँ बाप करते हैं वो झूठा है। थिंक बिग यार, अपने लिए जियो, उसके लिए क्या जीना और क्यों अपने माँ बाप को परेशान करना। यू शुड थिंक बिग, बड़ा सोचो, एंड थिंक योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर सेल्फ, डोंट बोदर योर फैमिली मेम्बर सर। अब आप बोलोगे कि जी ध्यान ध्यान ध्यान, पीछे यही सर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब सब सन्यासी बन जाए? इसका मतलब ये नहीं है कि सब सन्यासी बन जाए। सन्यास को आपको तरीके से अगर आप समझ जाएं आपके, तो आपको शायद पता चल जाएगा सन्यास, सन्यास या सन्यासी कौन कौन बन सकता है। एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर। सन्यासी का मतलब है कि यू आर परफेक्ट, अगर आप एक वर्ड में समझाना हो, मीन्स परफेक्ट इंजीनियर, परफेक्ट डॉक्टर, परफेक्ट पीएम, परफेक्ट सीएम, परफेक्ट आईएएस, परफेक्ट डीसी, परफेक्ट तहसीलदार। तो सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को त्याग देना, वो टाइम नहीं आया सर अभी, जब आपको परिवार, वो टाइम अभी थोड़ी ना सर। आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, कोचिंग में कोचिंग ले रहे हो। व्हाट इज कोचिंग? माय आंसर क्वेश्चन इज व्हाट इज कोचिंग? डिड यू थिंक एनी टाइम, और डू यू आर थिंक, और वुड यू थिंक अबाउट इट, और विल यू थिंक अबाउट इट? क्या आप इस बारे में सोचते हो? नहीं। कोचिंग इज, इफ यू अडोप्ट कोचिंग प्रॉपरली, कोचिंग इज नन अदर देन, इट इज ब्रह्मचार्य। वट इज ब्रह्मचार्य? टू गो टू द इन पास्ट, आश्रम में जाओ, आश्रम श्रम करने की जगह, ज्ञान लेने की जगह, काम करने की जगह। आश्रम में जाके क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। आश्रम का मतलब क्या? दुनिया से दूर। भाई राम आश्रम में गए शिक्षा लेने के लिए, पांडव कौरव आश्रम में गए शिक्षा लेने के लिए, क्या वो वहीं रह गए? नहीं, वो शिक्षा लेकर वापस आए। तो दिस इज कोचिंग, दिस इज इक्वल टू एट प्रेजेंट कोचिंग। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप सपोज करो, आप सपोज करो कि यहाँ पे इंडिया में इंग्लिश का कल्चर नहीं होता, और होती ही नहीं इंग्लिश चाइना की तरह, तो ब्रह्मचार्य या कोचिंग, सॉरी कोचिंग की जगह पे हिंदी में कितने वर्ड यूज़ होते, आप ये सोचो। कोचिंग, स्टडी सेंटर, एजुकेशन पॉइंट या कैरियर पॉइंट, इन सब की जगह क्या वर्ड यूज़ होते, ये सोचने की ज़रूरत है। तो अगर वो वर्ड यूज़ होते हैं, आप उनको यूज़ करके देखो, तो वो क्या है कि वो आपको दुनिया से, दुनिया मतलब आपके रिश्तेदारों से, फैमिली मेंबर से दूर। दिस इज कोचिंग, इफ यू अडॉप्ट इट प्रॉपरली। सो लेकिन वो आप करोगे नहीं। अब एक सन्यासी पे हम बात कर रहे थे, एक राजा भी अच्छा सन्यासी हो सकता है। अब राजा सन्यासी एग्जाम्पल, राजा जनक, बताया था ना मैंने एग्जाम्पल, आई थिंक वी डिस्कस्ड। वो एक सन्यासी राजा जनक के पास जाता है एक साधु, और बोलता है कि मैं राजा, मेरे को ये परिवार वाले ध्यान नहीं करने देते। तो राजा उठकर एक खंभे को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं खंभे को, एक खंभे मेरे को छोड़ छोड़, मेरे को क्यों कस के पकड़ा हुआ। तो साधु हंसने लग जाता है, बोलता है कि राजन आपने पकड़ा हुआ है, खंभे ने थोड़ी ना। तो राजा जनक बोलते हैं जवाब मिल गया आपको, आपने पकड़ा हुआ उनको, उन्होंने आपको नहीं पकड़ा। तो एक सन्यासी राजा जनक, तो सबसे सिद्धार्थ से या बुद्ध से हमें देख, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिलती है वो है देखो और सीखो। कहाँ दे, अब ये देखने की बात कहाँ है, ये देखो कहाँ, बाहर और अंदर, किसके, खुद के, इनर सेल्फ। और जो चार चीज़ें देखी और उसमें सबसे जो, जहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिली वो था सन्यासी साधु। अब ये दोनों ये कहाँ से मिलेंगे, विपासना,
विपासना बहुत ही कमाल की चीज है विपासना। विपासना से कोई कोई भी कहीं भी आपको आप जाओगे किसी फैक्ट्री में या कहीं भी कोई भी आपको सीनियर आदमी जूनियर को नमस्कार करते हुए नहीं मिलेगा, गुड मॉर्निंग विश करते हुए नहीं मिलेगा। किसी फैक्ट्री में चले जाओ ओनर नहीं करेगा, अरे इसको करेंगे हम, सैलरी देता हूँ इसको मैं, इसने मेरे को करनी चाहिए। और आप मरी जा रहे हो किसके लिए, वो दो अरे सर सर आप आ गए आइए सर, मंत्री जी आ गए सर, सर पान कहाँ कहाँ थूकना सर, पान सर सर पान कटोरा लेके आओ सर, इसमें थूक दो, मैं उस कटोरी में जिसमें आप रोज खा रहे हो उसको पीकदान बना दिया आपने, जिसको यूज़ करते हो आप खाने में, अब मरी जा रहे हो उसके लिए, सेल्फी ले रहे हो सर सेल्फी क्यों, आपने अपने अंदर झांका ही नहीं, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की सर, क्या मिलता है इससे। लेकिन नहीं, एक सन्यासी आपको बहुत कुछ दे सकता है सड़क से, अगर एक सन्यासी जा रहा हो वो सन्यासी आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन आप उसको एक रुपया नहीं दे सकते, कहीं बैठा हुआ भी होगा सड़क के किसी कोने पे, लेकिन आप उसको एक रुपया नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि आप उससे कुछ लेना ही नहीं चाहते, या फिर आपको लेना ही नहीं आता, हमें समझ ही नहीं है इस चीज़ की, इसलिए हम वो चीज़ें नहीं करते। और बस, और जहाँ मंत्री आए, मंत्री जी आ गए सर आइए सर बैठिए सर, सर ये मेरा बेटा है सर, इसने कर लिया इसको नौकरी लगवा दो सर, ये क्या है, पैर छूना इस देश की सभ्यता है, कौन मना कर रहा है, लेकिन पैर उनके छुए हो, माँ बाप के तो छूने ही चाहिए, क्यों नहीं छूने चाहिए, माँ बाप को तो ज़रूर छूना चाहिए, लेकिन पैर किन के छुए हैं, माँ बाप से अलग वो जिन्होंने आपके जीवन में चेंज लेकर आए, परिवर्तन लेकर आए, एक सही परिवर्तन, आप उनके पैर जरूर छुए, उनके प्रति श्रद्धा अगर हो तो, श्रद्धा होनी भी चाहिए, अगर आप उनके प्रति ऐसे लोगों के तरफ आपके मन में श्रद्धा प्रेम नहीं है तो आप पत्थर दिलो, आपका कुछ नहीं हो सकता। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब क्या है, ये आप हमारे मन के आईने हैं, और जो हमें बताते हैं ध्यान करने के बारे में, अब हस्बैंड वाइफ को ही ले लो, इशू होते रहते, चलो हस्बैंड वाइफ का फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जांपल। अब बुद्ध ने, अब लोग बोलते हैं यार बुद्ध धर्म तो वो अपनाते हैं सर, बुद्ध धर्म तो उसको वो दलितों का है, दलित लोग अपनाते हैं इसको, तो दलित कौन है सर, पहले तो ये समझ लीजिए आप, आपको पता ही नहीं है, दलित वो है जिसके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, नहीं ले पा रहा है सर्विसेज नहीं ले पाता, और जिसके पास जो गरीब है, इकोनॉमी नहीं है, खाने के लिए प्रॉब्लम है, पशु चारण में जी रहा है सर अजी भी, रोज जितना कमाया उतना खर्च हो गया। इसीलिए जो अगर आप देखो कि जो एससी कास्ट से, एससी कोटे से, एससी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं जो लोग, उनमें से जो समृद्ध हो जाते हैं, समृद्ध मीन्स कि जो पढ़ लिख लेते हैं और कुछ बन जाते हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं अपने उसी समाज में, पहले तो ये देखना चाहिए। जो वो क्या करेंगे उसमें से ज़्यादातर लोग, लड़ो लड़ाई करो इनके खिलाफ, स्वर्णों के खिलाफ ढमकाना, ये लड़ने की बात करेंगे हमेशा। और अंबेडकर ने हमेशा ही बोला कि जो अगर चाहिए तो शिक्षा चाहिए, अंबेडकर बोल रहे हैं शिक्षा, शिक्षा शेरनी का दूध है, अंबेडकर ने बोला। लेकिन वहाँ क्या हो गया कि जो लोग रह रहे हैं वो उनकी बात सुनेंगे जो कुछ बन गए हैं, अब वो मिसगाइड कर रहे हैं उनको। अब बुद्ध के पास, अच्छा जब आपको कोई गाली दे देता है तो आप घर जाके बताते हो कि वो उसने मेरे को गाली दे दिया, तो माँ बाप यही बोलते हैं कुत्ता भौंकता हो रहा थी अपनी मस्त चाल में चलता है, रहने छोड़ो। तो हाथी से भी सीख रहे हैं,
भारत का कल्चर हर चीज़ से सीख रहा है, हाथी से भी सीख रहा है। और ऐसे ही बुद्ध, अब अच्छा दुर्योधन को ही देख लो, शरीर मजबूत पर दिमाग ख़त्म, तो दिमाग स्ट्रोंग होना चाहिए सर। अब बच्चा अब बुद्ध को देख लो, आप बुद्ध के पास आया एक बंदा आया और थूक के चला गया उनके ऊपर, बुद्ध के ऊपर, और सब लोग खड़े हो गए कि तुमने क्या करा, बदतमीजी करती है वो। बुद्ध ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, बैठो जाओ कोई बात नहीं। अगले दिन आया वो, हाथ जोड़ के बोला मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हो गया, तो आपने कुछ बोला ही नहीं मेरे को, क्योंकि मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी बोलने की, क्या बोलूँ भाई, अगर तुम मुझको गाली दोगे मैं उस पर कुछ, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो गाली किसके साथ रहेगी, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, तुम फ्रस्ट्रेट होगे, घूमोगे, परेशान हो जाओगे, तो मैंने लिया ही नहीं, तुम थूक गए मैंने उसको लिया ही नहीं। अगर मैं उसको ले लेता, देखो बुद्ध क्या बोला, अगर मैं थूक ले लेता और खड़ा हो जाता तो मीन्स मैंने उसको अपना लिया, और मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हो गया तो मतलब मैंने उसको अपना लिया, तुमने मुझको गाली दी और मैं रिवर्स तुमको दे रहा हूँ, तो मीन्स कि मैंने तुम्हारी गाली को स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई मैं वो हूँ जो तूने बोला। किसी ने आपको या किसी ने एक्स वाई जेड ने गाली दे दी, अब मैंने उसको अपना मैं उस पर रिएक्ट कर रहा हूँ, तो इट मीन्स जो उसने बोला मैंने उसको मान लिया। तो बुद्ध ने बोला कि मैं जब उसको ले ही नहीं रहा हूँ गाली को, एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, तो क्या होगा, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, तुम रखो उसको। तो मन को स्ट्रोंग करो सर, हाउ स्ट्रोंग इज अ मन, वी कैन जस्ट इमेजिन अबाउट बुद्धा, कि बुद्धा का मन कितना स्ट्रोंग था, हम बस बात ही कर सकते हैं, इमेजिन भी शायद ही कर पाए। दुर्योधन को ही देख लो, शरीर इतना मजबूत, दिमाग से खत्म। अष्टावक महात्मा अष्टावक, दिमाग ठीक मजबूत, शरीर में वीक। तो दिमाग अगर मजबूत है आपका, बुद्ध के पास कोई सेना थोड़ी ना थी, कुछ भी नहीं था, दिमाग और मन। अब बुद्ध का रोल क्या था सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में, जो चेंज आ रहे थे, था उन सबको धार्मिक मान्यता किसने दिलवाई, बुद्ध ने। शूद्र स्टेटस बढ़ गया, शूद्र व्यापारी बन गया सेवक से, तो उसको धार्मिक मान्यता दिलवाई गई। वर्ण व्यवस्था में अब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में, पहला बदलाव क्या, वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित। टैलेंट बेस्ड, स्किल बेस्ड। और दूसरा एक और इंटरेस्ट, ब्याज, किस ट्रेड की और कॉमर्स की रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है, महत्वपूर्ण अंग है संविधान में, बदलाव सेकेंड अर्बनाइजेशन में, दो बड़े बदलाव हुए, क्या बात है सर, ब्याज। ऐसे ही थोड़ी ना कहा गया सर मोहम्मद इकबाल ने, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मेरा भारत महान। सो आज इतना ही, फिर कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, थैंक यू।